कलेक्ट्रेट सभागार में शहर सहित ग्रामीण अंचलों की दुरुस्त कराए गए सड़कों के निरीक्षण संबंधित बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष अत्यधिक बरसात होने से शहर सहित ग्रामीण अंचलों की सड़कें टूट गई थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए PWD सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने अधीनस्थ सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे आने जाने वाले किसी भी आम जनमानस को किसी प्रकार की कठिनाई ना होने पाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि PWD सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा टूटी हुई सड़क दुरुस्त कर लिया गया है, जिसका निरीक्षण नगर निगम क्षेत्र में ADM City विनीत कुमार सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व उपनगर आयुक्त, तत्पश्चात इन लोगों द्वारा निरीक्षण किए हुए सड़कों का हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौसड़ से पैडलेगंज तक बनाए जा रहे 6 लेन पेड़ों की कटान करने के लिए वन अधिकारी को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इन रास्तों में पड़ने वाले पेड़ों को तत्काल कटवाने का कार्य पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिए गए विद्युत पोलों का शिफ्टिंग जल्द से जल्द पूर्ण करें। अगर किसी प्रकार की विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिक्कतें आ रही हैं तो उसे तत्काल हमें अवगत कराएं, जिससे उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। मैंने आपके प्रविधि सचिव साहब रुपेश जी से बात की थी, उनको लेटर भी भेजा था। उसके बाद क्या हुआ, उसकी तैयारी किया आपने? क्या है मतलब शासन में या विभाग वहाँ से पूरे प्रदेश पता करके आप शाम तक बता दीजिए एग्जैक्ट कहाँ है। सेक्शन ऑफिसर के पास है, विजय सचिव के पास है, प्रमुख सचिव साहब के पास है, सचिव के पास है, कहाँ है पता करिए, फिर तैयारी करेंगे। हर स्तर पर उसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए ना। गन्ना विभाग की मंडी, मंडी हो गया गन्ना। सर कमिश्नर ऑफिस में सर जो है पूरा सर स्टेट का हमारा तो जा चुका है सर जो है, तो अभी कुछ जीरो का नहीं आया है सर, तो वो सूची कंपाइल होके अभी हो रही है। अच्छा, काम हो रहा है। हाँ सर, 8 से 10 दिन लगेगा सर जो है। मंडी परिषद का कोई काम बचा है? नहीं, हो गया दोनों का। इसको मिशन करने को बोला था मैंने, करा दीजिए से करा दीजिए। जितने भी गड्ढा मुक्त हुए हैं उसको चेक करें। बाकी हो गया आपका? 13 किलोमीटर किया था जी। 13 किलोमीटर हो गया, तो ज्यादा वर्क तो करना पड़ेगा, ज्यादा गिट्टी डाल कराइए। अभी मैंने प्रांतीय कार्य का मिशन कर लिया था, कल और परसों में थोड़ा व्यस्त रहूंगा। आप बृहस्पतिवार को केशवलाल जी के डिवीजन में लगा दीजिए सड़कों का निरीक्षण, और फ्राइडे को भारती जी का। देखिए मैं लगभग सभी सड़कों का निरीक्षण करूंगा, आप रूट प्लान बना दीजिए मेरा, जैसे प्रांतीय कर्ण ने बनाया था वैसे रूट चार्ट बनाइए। उसमें मैंने देखा अभी प्रांतीय कर्ण में कुछ सड़कों का कुछ पैचवर्क हुआ, कुछ पैचवर्क छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्युत पोल और पेड़ शिफ्टिंग नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने ज्यादा एस्टीमेट दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई बात है तो विद्युत वालों के साथ मेरी बैठक कराइए, हम लोग उसको जितना हो सके डिस्काउंट रीजनेबल रेट डलवा देंगे, अतिरिक्त चार्जेस नहीं करवाएंगे, लेकिन उसको ऐसा छोड़ना नहीं है। राइट ऑफ वे में पोल कैसे आ सकते हैं लेना है, और पटरी का काम नरेगा से लेना है ज्यादा से ज्यादा। अगले साल तो हमें 20-30 करोड़ रुपए मनरेगा में आपको आपके माध्यम से खर्च कराना है। हर जगह पटरी युक्त सड़कें ले लीजिएगा, और कुछ सड़कें जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स के
नहीं ली गई है, अभी बताइएगा। प्रांतिकन आपने सारे ओडीआर हुए, ओडीआर सारे हुए।